नमस्कार, मैं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं चैनल। जाइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव का रिजल्ट आने के बाद हो रही हिंसक घटना के खिलाफ मुंबई के कांदिवली विधायक अतुल भाथलकर के साथ भाजपा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीएमसी और ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और उनके खिलाफ मुर्दाबाद का नारे भी लगाए हैं। भाजपा विधायक अतुल भाथलकर ने कहा, ममता सरकार के खिलाफ आज महाराष्ट्र के विधायक दल का एक समूह आज राज्यपाल से भी मुलाकात करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर आज मुंबई भर में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये नजारा आप देख रहे हैं कांदिवली इसका है। सर, सबसे पहले यही कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में अहिंसा चल रहा है उसे लेके क्या कुछ मांगे और आज जो है मुंबई में देख रहे हैं कि बीजेपी जगह जगह इस तरह का जो है प्रोटेस्ट कर रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे आने के बाद 48 घंटे में वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के 10 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, कई सारे महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए गए, लोगों को घर से बाहर खदेड़ दिया। इसके विरोध में निदर्शन आज हमने प्रतीकात्मक पूरे मुंबई में हम कर रहे हैं और ममता बनर्जी को ये चुनौती दे रहे हैं कि वो चुनाव में जीती होगी लेकिन इसके खिलाफ जो लोग है उनके खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तो आने वाले दिन में हम कानून का सहारा तो लेंगे ही लेकिन पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये बंगाल में जाकर रास्ते पर उतरकर उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं को ये संदेश हम दे रहे हैं कि वो अकेले नहीं है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। तो सर, क्या ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है आने वाले दिनों में भी लगातार चलता रहेगा या सिर्फ आज भर के लिए? नहीं, ये प्रतीकात्मक प्रोटेस्ट है। यदि ममता बनर्जी कुछ कार्रवाई नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी कोविड के दिन में भी पश्चिम बंगाल जाएगी और रास्ते पर उतर कर उसके खिलाफ संघर्ष करेगी। एचएम न्यूज के लिए सविता शर्मा। तो ये थी आज की हमारी खास खबर। ऐसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज।